अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि और महंगाई बढ़ी तो राजधानी पटना के सड़कों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगे। शायद इसे सुनकर आप थोड़ा आश्चर्यचकित जरूर होंगे, लेकिन यह बात सही है कि पटना की सड़कों पर आज इंटक के लोगों ने प्रदर्शन किया और महंगाई बढ़ाने और पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि को लेकर नरेंद्र मोदी का गुणगान किया है, जिंदाबाद का नारा लगाया। इनका कहना है कि नरेंद्र मोदी का जिंदाबाद हम करेंगे, क्योंकि उन्होंने महंगाई को आसमान पर पहुंचा दिया है। हम नरेंद्र मोदी का जिंदाबाद का नारा लगाएंगे, क्योंकि उन्होंने पेट्रोल डीजल के दामों में अप्रत्याशित वृद्धि करा दिया है और यह अपने आप में विरोध प्रदर्शन का एक नायाब तरीका पटना की सड़कों पर देखने को मिल रहा है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जो राजधानी पटना से आई है, कि कैसे इंटक के जो कार्यकर्ता हैं सड़कों पर उतर गए और विरोध करने का जो ये तरीका है बिल्कुल यह नायाब और एक अलग अंदाज में इन्होंने विरोध किया। क्योंकि लगातार आपको बताते चले कि देश में जिस तरीके से महंगाई चरम सीमा पर है और केंद्र सरकार अपने कानों में तेल डालकर सोई हुई है, उसके बाद से इंटक के जो कार्यकर्ता हैं वो राजधानी पटना की सड़कों पर उतर करके लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन आज जो विरोध प्रदर्शन रहा वो कुछ अलग रहा, कुछ खास रहा। थाली बजा करके और नरेंद्र मोदी का गुणगान करके आज इस महंगाई का विरोध किया गया। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं जो कि हम पटना से दिखा रहे हैं। पटना से ATN लाइव के लिए कैलाश कश्यप की रिपोर्ट। रणनीति बनाई कि गांधी गिरी करेंगे, नरेंद्र मोदी जी का जिंदाबाद करेंगे। और नरेंद्र मोदी जी को हम लोग इसलिए पसंद करते हैं कि उन्होंने महंगाई को एक आसमान की ऊंचाई तक पहुंचाया है। नरेंद्र मोदी जी को पसंद करने का यह भी कारण है कि वो मजदूरों का रोजी रोटी छीन रहे हैं, किसानों के लिए काला कानून बना रहे हैं। तो इस तरह का जो देश में वो कार्यक्रम कर रहे हैं, तो हम लोग ने सोचा कि भाई अब इनका जिंदाबाद करके ही मना सकते हैं, इनका जाप करना होगा, इनके लिए हवन करना होगा, तो शायद देश की जनता को कुछ प्राण मिले। अब तो उज्ज्वला योजना गरीबों के लिए एक सपना हो गया, वो सिलेंडर एक केवल भरोसा के लिए है कि सिलेंडर है तो भरोसा है बस, नहीं तो उन्होंने क्या कहा कि मंत्र दिया है कोरोना के लिए कि आप गोईठा कोयला लकड़ी का व्यवहार करो, फूक मारो, ऑक्सीजन बढ़ाओ, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, सिलेंडर का बाद में उपयोग कर लेना। तो ये मोदी जी नया नया मंत्र दे रहे हैं। मोदी है तो मुमकिन है, मुमकिन मतलब मंत्र है, अब मंत्र मतलब जपते रहो खुश रहो। तो ये मोदी जी का नारा है, इंटक ने इसको बढ़ाने का काम किया है, शायद मोदी जी देश पर कुछ कृपा करें। अभिषेक, गैस चूल्हा रिपेयरिंग होम सर्विस सिवान में पहली बार फोन करके घर पर गैस चूल्हा रिपेयर करवाएं एवं साथ ही 60 दिन का वारंटी पाएं। एक बार सेवा का